नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का जिस अंदाज में आगाज की उम्मीद हर किसी को थी, हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। डरबन में होने वाले इस मैच में कोई रन बनना या विकेट गिरना तो दूर, टॉस तक नहीं हो पाया। आखिरकार 2.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। सीरीज का अगला मैच अब 12 दिसंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। डरबन में टीम इंडिया के इस मुकाबले के लिए खासा उत्साह था, क्योंकि 16 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम इस मैदान पर T20 मैच खेलने आई थी। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने इस मैदान पर 4 मैच खेले थे और 4ों में जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही डरबन में मौजूद भारतीय मूल के फैंस को टीम इंडिया को फिर से T20 मैच खेलते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार इस बार खत्म होते होते रह गया। अब दूसरे मैच पर सबकी निगाहें हैं। चलिए जानते हैं इस मुकाबले के लिए सेंट जॉर्ज की पिच कैसी रहती है, यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे अधिक मदद मिलने की संभावना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंट जॉर्ज पार्क में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैदान के पिच को लेकर बात की जाए तो यहां पर T20 फॉर्मेट में पहली पारी का औसत स्कोर 151 रनों के आसपास का देखने को मिलता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को पिच से जरूर थोड़ा मदद मिल सकती है। यहां टॉस जीतकर टीमें जो है वो पहले गेंदबाजी करना चाहती है और लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मूव मिलता है और विकेट निकालने में जो कारगर साबित होते हैं। यहां की तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री रन बनाने के लिए बल्लेबाज के लिए फायदेमंद है। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 में हेड टू हेड की बात करें तो कुल 25 मुकाबले हुए हैं। भारत ने 13 मुकाबले और साउथ अफ्रीका ने 10 मुकाबले जीते हैं। इसके अलावा 2 मुकाबले जो थे वो बेनतीजा रहे थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। इस शहर का पुराना नाम पोर्ट एलिजाबेथ था। दोनों टीमें इस शहर के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 8:30 पर शुरू होगा। भारत में इसका लाइव प्रसार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फैंस इसका लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उठा सकते हैं। आपको बता दें कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में अभी तक 3 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 2 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 1 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा। इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 99 का रहा है। वहीं इस मैदान पर सबसे बड़ा रन जो है वो 179 रन था, जो साउथ अफ्रीका ने साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल / ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रवि विश्नोई, अर्षदीप सिंह, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज। तो ये थी भारत की संभावित प्लेइंग 11। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका के संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। रीजा हेंड्रिक्स, ट्रिस्टन स्टब, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरी क्लासन, डोनोवन फरीरा, मार्को यानसन, गेराल कोएची, केशव महाराज, लुंगी एनगेड़ी, नंद्रे बर्गर। तो ये थी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इस मैच के रद्द होने से टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक मौका फिसल गया है। इस सीरीज के जरिए अर्षदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका मिला था और ऐसे में एक एक मैच अहम था। अब इन खिलाड़ियों को अगले दोनों मैचों में खेलकर दावा ठोकने की उम्मीद होगी। इतना ही नहीं, सीरीज में टीम की कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव को भी T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। सूर्या को यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 रनों की दरकार है, जिसे वो अगले मैच में पूरा करना चाहेंगे। ये रिकॉर्ड फिलहाल विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 2000 रनों का आंकड़ा पार करने के लिए 56 पारियां खेली थी। वहीं सूर्य कुमार यादव 55 पारियों में 44.11 की औसत और 171.71 के स्ट्राइक रेट से 1985 रन बना चुके हैं। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 या इससे ज्यादा रन अभी तक 3 बल्लेबाजों ने ही बनाए हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के पास इस खास क्लब में शामिल होने का बड़ा मौका है। इससे पहले ये कारनामा विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा ने भी किया है। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले की बात है, बांग्लादेश में आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया के युवा ओपनर ईशान किशन ने एक विस्फोटक पारी खेली थी।
ईशान ने सिर्फ 126 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचा था। वो वनडे में सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज बने थे। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब 3 हफ्ते बाद जब टीम इंडिया अगला वनडे खेलने उतरी तो उसमें ईशान किशन को जगह नहीं मिली थी। बस कुछ ऐसा ही हो सकता है जब इंडिया के युवा स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ। आपको बता दें कि पहला मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन दूसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिश्नोई को जगह मिलनी मुश्किल नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली T20 सीरीज में बिश्नोई का कहर देखने को मिला था। इस स्पिनर ने 5 मैचों में सबसे ज्यादा 9 विकेट हासिल किए थे और टीम इंडिया को 4-1 से जीत का स्टार साबित हुआ था। इसके लिए बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। अब ऐसे प्रदर्शन के बाद तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें अगले मैच में मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। अब इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में कुल 3 प्रमुख स्पिनर हैं। इसमें बिश्नोई के अलावा रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी शामिल हैं। जडेजा सिर्फ स्पिनर ही नहीं बल्कि वो ऑलराउंडर हैं और इस सीरीज के लिए तो टीम के उपकप्तान भी हैं। वहीं कुलदीप यादव ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और जडेजा की तरह वो भी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्लेइंग 11 में सिर्फ 1 या 2 स्पिनर होंगे तो जडेजा और कुलदीप यादव को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में रवि बिश्नोई का बाहर बैठना लगभग तय नजर आ रहा है। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।